So guys, आज की हमारी दूसरी एक्सरसाइज है पुश प्रेस। इसका इम्पैक्ट आपके कोर से लेके आपके चेस्ट से लेके आपकी थाई तक होता है। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पुश प्रेस कैसे करते हैं। प्लीज ओके, शोल्डर लेवल गैप बेंड हुई है थोड़ा सा, बैक स्ट्रेट ओके, शोल्डर लेवल पे इसको लिफ्ट करिए स्लाइटली ओके, देन आप अप करिए इसको, शोल्डर पे ले जाइए, अब नीज बेंड पुश गुड डाउन, नीज बेंड इंपैक्ट पुश गुड डाउन रिलैक्स। सो गाइस जैसा आपने देखा कि इसमें नीज बेंड हुई, उन्होंने पुश किया, एक अच्छा सा इंपैक्ट आया इनके कॉलर पे, इनके डेल्ट्स पे, चेस्ट पे और इनके थाई पे इंपैक्ट आया। सो गाइस बेसिकली पुश प्रेस का मतलब ये होता है, एक ऐसी एक्सरसाइज, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जिसको चीटिंग के थ्रू किया जाता है, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो उसका मेन प्रॉफिट है वो ये है कि एटलीस्ट आपकी थाई और आपकी पावर पे वर्क होता है, स्टैमिना इंक्रीज होता है। सो बेसिकली हमें इसके 3 से 4 सेट्स करने चाहिए और जो रेपिटेशंस होती हैं इनमें 10 10 10 10 10, हम इसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि पुश प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज में जो वेट्स होता है या तो वो इक्वल रहेगा या तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, बट जो रेपिटेशंस होती है वो हमेशा इक्वल ही रहती है। अगर स्टार्टिंग से आप 8 करें तो 8 8 8 करिए, अगर 10 करें तो 10 10 10 करिए। सो आपको 4 सेट्स करने चाहिए प्लस जो रेपिटेशंस हैं 10 या 8 या फिर 10 10 10 10 10। स्टार्टिंग में हमें 15 रेपिटेशन से स्टार्ट करना चाहिए, देन हम 12 रेपिटेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर 10 और फिर 8। जो आपका लास्ट सेट होता है उसमें आपको मैक्सिमम वेट लिफ्ट करना चाहिए, सो दैट आपकी जो एक्स्ट्रा गेनिंग होती है वो हो, आपकी कोर स्ट्रांग रहे और आपका लोअर बैक बहुत स्ट्रांग रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।